हाय गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम चलाने वाले वर्टस GT 1.5 मैनुअल ट्रांसमिशन वाली। तो ये वन ऑफ द रेयरेस्ट वर्टस है। तो आज बारिश हो रही है, इस वजह से गाइज एक थोड़ा क्विक ही रखेंगे मोस्ट प्रोबेबली। और हम गाड़ी के अंदर चार जने होने वाले हैं बिकॉज बारिश हो रही है, बाहर किसी को भी खड़ा करना ठीक नहीं है। ये जो गाड़ी है ये वन ऑफ द रेयरेस्ट वर्टस ऑप्शन है क्योंकि 1.5 TSI है, 4 सिलेंडर, 148-150 BHP प्रोड्यूस करती है विद 250 Nm ऑफ टॉर्क। एंड ये टॉप ऑफ द लाइन इंजन के साथ मैनुअल गेयरबॉक्स है जो हर किसी का फेवरेट होता है। हर एक एंथुसियास्ट को मैनुअल गेयरबॉक्स ही अच्छा लगता है। तो हम क्या करने वाले हैं, आज इसको ड्राइव करेंगे, इसका रिव्यू जानेंगे जैसे आपने N-Line का देखा था, और फिर देखते हैं गाड़ी की परफॉर्मेंस कैसी है। सो गाइस, हम वर्टस में आ गए हैं। हमारे साथ है वर्टस के ओनर अनुराग भाई। अनुराग भाई के साथ आपने पहले ओनरशिप रिव्यू देखा होगा और अच्छा खासा रिस्पॉन्स और उस पर प्यार आया था हमें। आज हम करने वाले ड्राइव एक ओपन स्ट्रेच ऑफ रोड पे, और कुछ क्वेश्चंस क्वेरीज जो उस टाइम पे रह गई थी वर्टस GT मैनुअल के बारे में वो आज हम डिस्कस कर लेते हैं। तो अनुराग भाई, आप एक बारी कैमरा ऐसे पकड़ लो कि आगे का POV दिख जाए। तो भाई, फर्स्ट टाइम मैं चला रहा हूँ वर्टस GT मैनुअल, इससे पहले मैंने कभी नहीं चलाई। भाई, इसका वो गेज कैसे चेंज करते हैं? व्यू सर, यस। अच्छा, ये वाला सबसे बढ़िया लगता है मेरे को। अनुराग भाई, कितनी टॉप लेके जा चुके हो? भाई, टॉप तो सभी को पता है कितनी जाती है, 203। और जैसे पिछली बारी तक जब हम बात कर रहे थे तब तक ट्यून आया नहीं था। अब नहीं, आ गया था तब भी, आ गया था पर वो पब्लिक के लिए नहीं था। तो आप क्या प्लान है? पहले तो फर्स्ट सर्विस का था, आप क्या है? बहुत जल्द दिखेगी स्टेज 2 पे सीधा। और भाई, हम गाड़ी अंदर चार जने हैं पर गाड़ी स्टेबल फील हो रही है काफ़ी ज़्यादा। बाकी कॉर्नर के तो थोड़ी सी धीरे कर लेते हैं। नहीं, ये टायर की दिक्कत है। हाँ, टायर की दिक्कत है। सीएट के जो टायर है ना, उसका भी ट्रैक्शन ऑन है पर ये टायर गंदे है। हाँ, गंदे नहीं, एक्चुअली बहुत गंदे है। टायर में मतलब वो ग्रिप वाली कॉन्फिडेंस वाली बात नहीं है, कॉर्नरिंग पे नहीं है। स्ट्रेट लाइन स्टेबिलिटी बहुत अच्छी है। जैसे तुषार भी हमारे साथ, तो जो तुषार की गाड़ी है उसके अंदर है UC6, मतलब कॉन्टिनेंटल है ना वो, UC6। हाँ, कॉन्टिनेंटल UC6 है। उन टायर्स की जो स्टेबिलिटी बहुत बेटर थी एज कम्पेयर टू ये C8 वाले। ये C8 वाले टायर सिर्फ उसके साथ अच्छे थे, i20 N-Line के साथ। वो तो स्टिफर सस्पेंशन है, उसमें स्टिफ काफी था। पर भाई, ये भी स्टिफर ही है, पर ये भी स्टिफर ही है। बहुत ज्यादा स्टिफ नहीं है पर है स्टिफ ठीक था। पर टायर्स अपग्रेड की नीड है, मतलब मेरे को फील हुआ जैसे अभी कॉर्नर करा। बाकी भाई, एक सबका सवाल ये था जो मेरे को ओनरशिप पे आया, जो हम डिस्कस करना बोल गए थे, कि भाई इस गाड़ी की माइलेज कितनी है? भाई, चलाने के ऊपर डिपेंड है, मतलब ऑन एन एवरेज एक सिटी बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में कितनी आती है? बम्पर टू बम्पर में तो 9.5। और हाईवे पे अगर कोई ले जाए तो, जैसे अभी इको लिखा आ गया तो ये मतलब 2 सिलेंडर पे चली गई। अच्छा, 1 के बीच में आराम से माइलेज। अच्छा, फिर तो फुल टैंक में 700-750 की रेंज भी दिखाती है। चलो, एक बार अगर हम पुल करके देखें, वैसे तो अभी थर्ड गियर पे ही डाला हमने, टर्बो लगाएगा थोड़ा, और ऊपर से हम चार देने तो उससे भी फर्क आता है, पक्का परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा। पर मुझे ऐसा लग रहा है ये वरना से ज़्यादा स्टेबल इसलिए फील हो रही है क्योंकि इसका जो सस्पेंशन है वो स्टिफ है, पर टायर्स की अपग्रेड की नीड है उसके बाद भी। बिल्कुल भाई, इसके लिए कोई भी अगर ऑप्ट कर रहा है तो मिशेलिन पायलट स्पोर्ट वगैरह के लिए जा सकता है, और उसको जाना ही चाहिए अगर वो एंथुसियास्टिकली ड्राइव करता है तो। आगे रोड सीधी है ना वाली, बारिश भी है थोड़ा, तो कॉर्नर पे स्लो ही रखना। कॉर्नर पे बारिश है, जाएगी ये सीधा, ग्रिप नहीं है, बहुत बेकार है। 180 पे चल रहे गाइस हम, और गाड़ी काफी स्टेबल है सीधी पे। अभी जब कॉर्नरिंग आएगी तो एक तो बारिश भी है, इस वजह से भी स्टेबिलिटी में थोड़ी कमी है, वरना नॉर्मली ड्राई कंडीशन में तो इतनी दिक्कत नहीं आती होगी। बहुत भाई यार, टायर की दिक्कत है, वो मेरे को स्टार्टिंग से फील हुई है इसमें। अच्छा, पर अगर थोड़ा अपग्रेड करा देगा ना इसको, तो काफी फर्क आएगा। पर अब तो इतनी चला ली, अब तो अपग्रेड, अभी तो फायदा नहीं है कराने का, वैल्यू नहीं मिलेगी, वैल्यू अब तो नहीं मिलेगी। हाँ, यहाँ पे एक बार हम चार जनों के साथ लॉन्च करके देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। हाँ, वैसे एक और ये चीज देखो भाई, अभी ना आप एक दो जने नहीं हो, अभी चार जने, तो चार जनों का दबती है गाड़ी, उसके बाद भी थोड़ा अनस्टेबल फील हो रही थी, वो टायर का ही चक्कर है। मैं भी टायर अपग्रेड कराएंगे तो उसके बाद चलेगा। पर ये अच्छा, भी एसी भी ऑन था, उसके बाद भी 180 बड़े प्यार से चढ़ गई। हाँ, ये भी फर्क है। ए, मिड तो फिर मिड तो है यार। ये वो सेकंड गियर पे भी, इसमें चार दिनों के बाद बॉक डाउन कहते हैं, बॉक डाउन भी हो गई है। 100 तो हो गई,
जो नंबर गैप करती है ना बीच में बड़ा मजा आता है। हाँ। 135 से सीधा आगे फोर्थ थर्ड गियर ये भी 150 पे वही टॉल गियर है ये भी काफी ओ भाई स्लिप होगी। हाँ। बारिश है गाड़ी जो एक मूवमेंट होती है ना जो ऊपर नीचे गाड़ी हिलती रहती है एक्सपेंशन जॉइंट पे वो अगर सॉफ्ट सस्पेंशन होता तो उसपे भी अपना कॉन्फिडेंस लूज होता बट इस गाड़ी में ऐसा नहीं हो रहा। स्टेयरिंग फील एंड फीडबैक काफी ज्यादा अच्छा है रोड से बिल्कुल ऐसा लगता है कनेक्टेड है आपका कहीं पे भी स्लैक फील नहीं हो रहा सेंटर में या कॉर्नरिंग वगैरह भी करते हो अच्छा खासा वेट आ जाता है स्टेयरिंग के अंदर। बाकी भाई इंजन मैं कहूँगा पहले मैं सबको कहता था 1 लीटर ले लो उसे ट्यून करा लो 1.5 पे पैसे मत खर्च करो पर अब क्योंकि इसका भी ट्यून आ गया है तो मैं कहूँगा भाई एक्स्ट्रा पैसे देना वर्थ इट है भाई बिल्कुल अब मैनुअल भी आ गया बस एक ट्रैक्शन कंट्रोल का जो मेरे को पंगा लगा जैसे हमने ड्रैग रेस की वीडियो में भी देखा कि ट्रैक्शन कंट्रोल ना डिसेबल हो रहा है जैसे अगर आप यहाँ पे अगर एक बार मैसेज दिखाओगे ये एक्टिवेटेड आ गया ट्रैक्शन कंट्रोल डीएक्टिवेटेड लिखा आ गया बट उसके बावजूद जब गाड़ी व्हील स्पिन कर रही है एक्सटेंसिवली तो पावर कट हो रही है वो आपको फील हो रही है कि जैसे थ्रॉटल से आपने पैर हटा दिया जबकि आपका थ्रॉटल पूरा मैच कर रखा है आपने फिर भी। सो गाइस ड्यू टू अ टेक्निकल ग्लिच हमारी वीडियो वहाँ पर रुक गई थी मोर ओवर हमने ब्रेकिंग वगैरह का जो टेस्ट करा था वो वाली क्लिप्स ही सारी चली गई हैं। ओवरऑल मैं आपको बताऊं वर्टस की ब्रेकिंग काफ़ी ज़्यादा अच्छी है बहुत ही ज़्यादा प्रेसाइज है जो बाइट है वर्टस की ब्रेक्स का वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है स्ट्रॉन्ग बाइट है काफ़ी एज़ कम्पेयर टू जैसे आप ये देख सकते हो वर्ना टर्बो है ये भी आपकी उसी सेगमेंट की गाड़ी है बट स्टिल वर्टस की ब्रेकिंग ज़्यादा बेटर लगी मेरे को इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस वरना बेटर है इन टर्म्स ऑफ ब्रेकिंग स्टेबिलिटी ऑन स्टॉक टायर्स वर्टस की बेटर है बट अगर आप जैसे तुषार ने अपग्रेड कराए थे UC6 वाले तो इस टाइम पे वरना की बेटर लग रही थी। ये भी हो सकता है कि बारिश हो रही थी इस वजह से कॉन्फिडेंस थोड़ा कम आ रहा था बाकी हम फिर से एक बार टेस्ट करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आपको पता है क्या करना है लाइक करना शेयर करना चैनल को सब्सक्राइब करना और हम मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ तब तक के लिए टेक केयर सी एंड बाय बाय।